मरीवा प्रधानमंत्री मोडी गारु मन राष्ट्र की वो एवी राष्ट्र की लेकिन खाली चतल तो वी उत्तमाटल उत्तिमाटल उन्नीटल लेन मटल चतर तपे वो मन की मन मुख्यमंत्री गार वार प्रश्न इधर रेड प्रश्न एम चेसि मैं राष्ट्रा की चपंडी अाकूड सामधान चपक तपको तिगत इवा वी एद ओपनिंग पेकोनी वेलिपोतायानी दयचे जगत्य प्रजल गमन उत्तिमाटल चपेटेवर अभिवृद्धि नायक उत्तिमाटल चपे पार्टी मुखम साटे पार्टी अंदर गुर्ति प्रजेला पेयवल कार्यकर्त नायक पीपनी निस्टे जीवन रेड्डी गारी स्टेट चूसा ने मन मट मन मुख्यमंत्री गार मोडी गार ना मुखम साटे नीवन रेड्डी गार अड़ता अय जीवन रेड्डी गार निदा मोनने राहुल गांधी पादयात्र वेकंटाणि आ जाड़ यात्रो जोड़ यात्रो आये तेलंगाक आये एपड़ताो अब मुनगोल एन कल मैं नायक मुनगोर प्रजक मुखम साटे ना नायक एपड़ा प्रजक मुखम साटे मुखम साटे नायक कांग्रेस पार्टी नायक बीजेपी पार्टी नायक गुलाबी कंड कपड़ू मुखम साटे अरे राजकीयसारी उड़ाई अनकना लक्ष्य साधे वरकू वाड़े नायक वारे चवरी मजल चेरको केसीआर गलंगा कोसम पार्टी कटू उद्यम सदर्भ में अनेक सारे मुझक इबंध जगना कोई सारे प्रजाप्रतिनिधि ओर कोई सारे उद्यम उतदा पोतदा अने पैस्थिचाई का यह ना केसीआर गश्वास ओलपो प्रति नित्यम मन चुनाव तपकड़ा सर तेलंगा वेलंगा तपक अभिवृद्धि जरूत अन्नी वर्ग न्याय जो मनंदर मत नी अवे नायक देशव्याप्त विप्ल सृष्टि टीआरएस इवा बीआरएस अलाआरएस एधिंदो तेलंगाने बंगारमयो रेप भारत देश इवे गुलाबी कंड विप्लव साधिस्टी संपूर्ण विश्वास तो मैं चुप्वाल जरा मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे बताऊं देखिए कुछ लोग निराशा के कारण हताशा के कारण भय के कारण अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं भांति भांति की गालियां देते हैं सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मेरी आपसे प्रार्थना है ऐसी बातों से आप परेशान मत होना। उनके पास गालियों के सिवा देने के लिए बचा क्या है भाई। आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। मेहरबानी करके इससे जरा भी परेशान मत होइए। शाम को उन गालियों को उस पर बड़ी हंसी मजाक कीजिए, बढ़िया चाय पीजिए और दूसरे दिन सुबह कमल खिलने वाला है, इस खुशी में आगे बढ़िए। तो दोस्तों आप मुझे बताइए अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे ना। शाबाश, अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों।
देखिए हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में, तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो जनता के सेवा में काम आती है। भाइयों बहनों, जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए हम हजम कर जाएंगे, भाजपा को गाली दीजिए हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहां के लोगों के सपनों से खिलवाड़ किया तो मुकाबला बहुत रंगीन हो जाएगा, समझ लीजिए।